How's things with Raju? Are you in touch, like friendly or something? Not really, but कभी कुछ important ऐसे कुछ बात करनी है तो हाँ, हम एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही है, हमें बस एक पेपर पे साइन करना होगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। दिलनाज का अपने एक्स हस्बैंड राजीव पॉल पर एक्सक्लूसिव रिएक्शन। नॉट रियली, बट कभी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ बात करनी है तो हाँ। दिलनाज ने अपने लिविंग पार्टनर पर्सी संग अपने रिलेशनशिप पर खोले राज, कहा हम दोनों हैं हैप्पी कपल। सो आई थिंक एज टू इंडिविजुअल्स हम खुश हैं अपनी जिंदगी में, हम एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही है, बाकी तो वी आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल कपल, अ नॉर्मल हैप्पी कपल। आई थिंक हैप्पी इज इम्पोर्टेंट। जी हाँ, पॉपुलर टीवी स्टार दिलनाज ईरानी ने हाल ही में टेली टॉक के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पहली बार अपने एक्स हस्बैंड राजू पॉल के बारे में खोले अपने दिल के राज। और जब टेली टॉक ने उनसे जानना चाहा कि क्या अभी भी है वो राजीव से टच में, तब क्या कुछ कहना था दिलनाज का, आइए आपको सुनाते हैं। How's things with Raju? Are you in touch, like friendly or something? Not really, but कभी कुछ important ऐसे कुछ बात करनी है तो हाँ, एक आध बार कभी, but not really. इसी के साथ ही दिलनाज ने अपने बॉयफ्रेंड पर्सी के बारे में भी की खुलकर बात और बताया कि कैसे हमारी जिंदगी में हुई पर्सी की एंट्री और फिर हम बन गए हैप्पी कपल। लेट्स टॉक अबाउट पर्सी, एज यू हैव मेंशन योरसेल्फ, सो ये पर्सी से मुलाकात कब हुई? क्या वो तब फेज था जब आप लो फेज में थी और किसी की तलाश थी? यस, आई थिंक जब मैं सेपरेशन हो चुका था, डिवोर्स होने जा रहा था, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, तब पर्सी वाज अ फैमिली फ्रेंड। वो मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे कोई इंसान है। अच्छा। लेकिन वो टपक पड़ा कहीं से एंड उसकी लाइफ में भी ऐसी कुछ सिचुएशन थी, वो भी एक डिवोर्सी थे और जस्ट उनका भी डिवोर्स हुआ था। तो प्रॉबली यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने दो इंसान जो इनकम्प्लीट से स्टोरीज उनकी थी उनको साथ में मिला दिया। या आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज ये कैसे हो सकता है कि दो अनजान लोग, यू नो, वो कहीं और शहर से थे, मैं बॉम्बे, उनको फिर बॉम्बे आए वो काम करने यहाँ एंड मुझे मिले। एंड तब मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी भी लाइफ में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव थे एंड हम आए मिले और हम दोस्त बने, दोस्ती से प्यार हुआ और ऐसे किसी ने पूछा भी नहीं, ऐसे प्यार हो गया। सो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटिफुल फीलिंग यार, मतलब आई कांट एक्सप्लेन चेतना एक्चुअली, एंड ही इज सच अ नाइस मैन। आई फील के वो जो एक अधूरी कहानी कहीं रह गई थी उसको बस पूरा कर दिया पर्सी ने आके। फेलियर तो नहीं कहूँगी कि लाइफ में कुछ फेल नहीं होता है, जो होता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है, बट एक ठोकर लगती है, इंसान गिरता है और संभलता भी है। तो अगर मैं आपके सेपरेशन को, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बोलूँ कि एक ठोकर लगी लाइफ में, उसके बाद थोड़ा डर लगा दूसरे रिलेशनशिप में? ऑफ कोर्स इतना इट्स वेरी नेचुरल चेतना। पहली बात तो आप डर जाते हो एक रिलेशनशिप में, मतलब स्टार्ट करने से ही पहले आप डर जाते हो। सेकेंड ऑफ ऑल, पर्सी मुझसे 10 साल छोटे हैं। अच्छा। हाँ, ना इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ना कुछ ना कुछ, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रही कि यू नो, और वो भी डिवोर्सी थे, मैं भी डिवोर्सी थी, तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो था ही बिफोर वी एक्चुअली डिसाइडेड कि हम साथ में आएंगे। बट उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी एज फार एज एज वॉज कंसर्न,
पर्सी सेड कि डेलनाज लुक यार एज इज जस्ट अ नंबर यू नो, एंड वो आज मैं बिलीव करती भी हूँ क्योंकि रियली एज मायने नहीं रखता. अगर आप एक दूसरे के साथ हो, आप इज्जत करते हो एक दूसरे की, आप प्यार करते हो, आप कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे को समझते हो, देन आई थिंक एज या रिलीजन कास्ट ये सब मायने रियली नहीं रखता. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दो लोग दो लोगों के बीच में प्यार कितना है, इज्जत कितनी है, क्या एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या केयर करते हैं, वही काफ़ी होता है. आई थिंक जैसे आपने कहा हाँ बहुत मुश्किल रहा, इसलिए शायद आज तक हम दोनों ने ये डिसीशन लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे. अगला सवाल वही था क्योंकि हमने बस सोच लिया कि हालांकि पर्सी आज भी अगर मैं कहूं कि हाँ चलो शादी करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ने शादी की, हम दोनों के डिवोर्स हुए, हम एक गुजर चुके एक रास्ते से, अब हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, जैसे है वैसे बहुत खुश है. और मोस्टली अगर देखा जाए तो शादी तब होती है जब आपको बच्चे भी चाहिए होते हैं, यू नो आपकी, अब हम बच्चों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे. सो आई थिंक एज टू इंडिविजुअल्स हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हम एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें बस एक पेपर पे साइन करना होगा और आप लोगों को पता चल जाएगा. सो एक अनाउंसमेंट देनी होगी बस, ओके शादी हो गई, तो इतना ही है ना, बाकी तो वी आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल कपल, अ नॉर्मल हैप्पी कपल. आई थिंक हैप्पी इज इम्पॉर्टेंट. मैरिड कपल होना और अनहैप्पी होना या हैप्पी कपल होना, हैप्पी कपल Anytime. And you never thought to having like kids because you know, bache agar main personally bolta, I like kids, you know. Yeah, every woman would love to have children, but I think har kisi ke naseeb mein alag alag cheeze likhi hoti hai cheta. And I feel jab time tha tab probably wo destiny ko kuch aur manzoor tha. So, I don't know. I mean, मुझे लगा कि दिलनाज कमिटमेंट से डरती हैं, इसके लिए शादी नहीं हो रही है. No, it's never been like that. I think I am not commitment phobic. I am just very superstitious that way. You explain. कि मतलब जैसे मैंने कहा कि एक बार हो चुकी, फिर problems हुई, नहीं हुआ, उनके साथ भी वही चीजें हुई. तो आई थिंक एक हम लोग एक अच्छी लाइफ अभी जी रहे हैं, उसमें इतना सोचना समझना आई डोंट थिंक आई नीड अनदर प्रॉब्लमैटिक लाइफ यार. वी आर वेरी हैप्पी द वे वी आर, सीरियसली. नो आई डोंट थिंक वी, नेवर से नेवर, जो बोलता है ना नेवर से नेवर. वेल आपको बता दें कि शादी के 14 साल बाद राजीव ने दिलनाज से नाता तोड़ लिया था. राजीव और दिलनाज 2010 में अलग हुए थे और 2012 में इनका तलाक हो गया था. मौजूदा समय की अगर बात करें तो राजीव और दिलनाज दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं. दिलनाज जहां डीजे पर्सी के साथ रिश्ते में है, तो वहीं राजीव ने दोबारा शादी करके अपना घर बसा लिया है.